नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में बुधवार को कैबिनेट विस्तार में पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिल गई है। बता दें कि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेता है और 8 बार विधायक चुने गए हैं। इधर महू से विधायक उषा ठाकुर ने आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। देर रात तक वे घर पर ही थी। सुबह उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने का बुलावा आया था। उषा ठाकुर पहले इंदौर की विधानसभा 3 से विधायक रही हैं। वहीं विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एंदल सिंह कंसाना और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, रामकिशोर कावरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोदिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। कार्यक्रम से पहले शिवराज ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पूर्व सांसद प्रभात झा को नोटिस भेजा है। झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट कहा था। कमलनाथ ने दोनों से माफी मांगने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा है। इस मामले में पूर्व सांसद प्रभात झा ने कहा है कि कमलनाथ नोटिस देते रहे, हम चुनाव जीतेंगे। वहीं विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि जिन्होंने जनता के साथ छल किया, आज वह खुलासा होने पर नोटिस की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश के पद संभालते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। पीसीसी में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में कमलनाथ ने कहा है कि आज के समय में परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साजिश कर हमारी सरकार को गिरा दिया, इसलिए नई ऊर्जा के साथ 24 सीटों पर उपचुनाव में उतरना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को भाजपा में शामिल हुए 22 पूर्व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक करेंगे। भोपाल नगर निगम वर्कशॉप में 1.5 करोड़ का नया घोटाला उजागर हुआ है। गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए इंजीनियर और क्लर्क ने फर्जी फाइलें बनाई, जिन पर मैकेनिक की जगह क्लर्क ने फर्जी हस्ताक्षर किए और प्रभारी के तौर पर सहायक यंत्री ने फाइल मंजूर कर दी। बुधवार को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 268 नए मामले सामने आने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 13,861 हो गई है, जिनमें से 581 की मौत हो चुकी है जबकि 10,655 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।